हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो अक्सर व्यक्ति ठीक ठाक जा रहा होता है और अचानक से उसको रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी में सफ़र करते हुए या कहीं भी उसको अचानक से ये दिक्कत हो जाती है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मिर्गी रोग की। मिर्गी रोग एक ऐसा रोग है यानी अपस्मार एपिलेप्सी के व्यक्ति देखने में ठीक ठाक लगता है और इसको जब फिट्स पड़ते हैं ये ठीक ठाक जा रहा होता है और जाते जाते अचानक रास्ते में इसको कहीं पर भी फिट्स पड़ जाते हैं। ना कोई बुखार, ना खांसी, ना बेचैनी, कुछ नहीं, अचानक से ही इसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैं आज आपको बहुत उत्तम मेडिसिन बताऊंगा। जिन व्यक्तियों को अक्सर ये शिकायत होती है वे होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन मैं बताऊँगा। यदि वे मेडिसिन कुछ समय कंटिन्यू लगातार ले लेते हैं तो उनको इस बीमारी से बहुत जल्दी निजात मिल सकती है। एपिलेप्सी फिट्स यानी अपस्मार, इस रोग का प्रबल प्रभाव वंश परंपरा की भी देन हो सकती है, वंशानुगत भी हो सकता है। ये इसके रोगी अक्सर खासकर बच्चे, उन्हें ऐंठन पड़नी शुरू हो जाती है, हाथों पैरों में ऐंठन बननी लगती है। उन्हें आगे चलकर, जिनको शुरू में ऐंठन बनने लगती है, उन्हें आगे चलकर मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं यानी एपिलेप्सी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये रोग प्राय यौवन के पहले यानी 24-25 वर्ष की एज तक प्रकट हो सकते हैं। इसके अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सिर में चोट लग जाती है, अत्यंत शक्तिहीन यानी बहुत कमज़ोर हो, या कुछ बच्चे कुस्वभाव में पड़ जाते हैं यानी बहुत से बच्चे गलत संगत में पड़ के बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने लगते हैं या शराब पीने लगते हैं। जीर्ण रोग हो जाता है यानी उनको कोई भी बीमारी, ऐसी पुरानी बीमारी आ घेर लेती है, डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगता है, पेट में कीड़े होना भी इस बीमारी का एक मुख्य रोग का कारण हो सकता है। रोग का आक्रमण होने के समय उंगलियों, जो हमारी ये उंगलियां होती है, उंगलियां, हाथ, पेट, गले से हवा की लहर जैसी चलनी शुरू हो जाती है और प्राय पेट में हवा का गोला सा उठता है और रोगी चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर गिर पड़ता है, दांत भींच जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगती है। वह झाग निकलने के साथ साथ उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जैसे गुर्राहट में जैसी खसखस खरखर की आवाज़ें उसके गले से आने लगती है। रोगी बेहोश हो जाता है। मिर्गी अर्थात अपस्मार एपिलेप्सी तथा गुल्म वायु मूर्छागत, ये इसके कई नामों से इसको खूब जाना जाता है। फ्रेंड्स, गुल्म वायु एक अलग रोग है, वो हिस्टीरिया रोग होता है। उसके पेशेंट में और मिर्गी के पेशेंट में क्या अंतर होता है वो हम आपको बताएंगे। कई बार हिस्टीरिया को भी हम मिर्गी समझ बैठते हैं, जो कि दोनों में अंतर है। हिस्टीरिया रोग पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें उसे देख सकते हैं।
जिन व्यक्तियों को जिन ये खासकर हिस्टीरिया का रोग उन भावुक स्वभाव के इंसानों में होता है, खासकर ये हिस्टीरिया का रोग महिलाओं का रोग है, जो जरा सी बात में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, बेहोशी की स्थिति में चली जाती हैं। लेकिन एक खासियत यह है कि इसके पेशेंट को दौरा पड़ने के समय भी होशो हवास रहता है और ये अपने व्यक्तियों को खूब तरीके से पहचान देता है। हिस्टीरिया में जो रोगी होता है हिस्टीरिया का, उसके कभी भी अंगूठे उंगलियां ऐंठती नहीं है, मुड़ती नहीं है, बस वो एक मूर्छित सी अवस्था में पड़ा रहता है, बेहोशी सी आती रहती है। मिर्गी के रोगी के जो सिम्टम्स हैं उसके अंगूठे, हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपैरिजन मैंने इसीलिए इसमें क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, जो क्या क्या इसमें अंतर होता है उस पे ध्यान देने की बात मैं आपको बताता हूँ। मिर्गी के रोगी के अंगूठे जो होते हैं वे अंगूठे इस टाइप से ऐसे उंगलियों के बीच में मुड़ जाते हैं, दब जाते हैं। हिस्टीरिया में आंखें चमकीली रहती है और पुतलियां घूम जाती है, यानी हिस्टीरिया के रोगी की जो पहचान है उसकी पुतलियां एक साइड को घूम जैसे जाती है, आंखों में चमक जैसी दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि पेशेंट मिर्गी का नहीं हिस्टीरिया का है। मिर्गी के मरीज की आंखों में चमक बिल्कुल नहीं रहती, आंखें एक जगह स्थिर हो जाती है, जैसे व्यक्ति कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा है, बिल्कुल एक जगह पुतलियां बिल्कुल शिथिल हो जाती है, समझ लीजिए कि मिर्गी का पेशेंट है। हिस्टीरिया के रोगी दौरा पड़ने पर भी अपने सगे संबंधियों को पहचानता है, जबकि मिर्गी में रोगी पूरी तरह से बेहोशी में चला जाता है, यानी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। हिस्टीरिया में रोगी, हिस्टीरिया का जिसको दौरा पड़ता है, फिट्स पड़ता है, वो व्यक्ति जब सोता है तो सोकर उठने के बाद उसको तरोताज़ा महसूस करता है, यानी उसे ऐसा नहीं महसूस होता कि भाई मुझे कोई दिक्कत हुई है या मुझे कोई दौरा पड़ा है। परंतु मिर्गी में बेहोशी के बाद जब रोगी नींद से उठता है तब अपने आप को बहुत कमज़ोर, बहुत ही शक्तिहीन पाता है, लेकिन फिर भी मिर्गी और हिस्टीरिया के रोगों की खासकर दवाइयां एक जैसी सी, करीब करीब सेम एक जैसी मेडिसिन होती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया के पेशेंट की विशेष पहचान ये होती है कि इग्नेशिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा भावुक होता है, जरा सी बात पर वो एकदम से अपने, जैसे कहते हैं, दिल पे ले लेता है अपने किसी भी बात को। शोर शराबा इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता, बहुत शांत स्वभाव का पेशेंट होता है। ज़्यादातर यदि इसके मन की बात नहीं होती तो ये किसी से उस चीज़ का उल्हाना नहीं देता, यानी चुपचाप अपने आप में ही, अपने ही अंदर ये उस चीज़ में घुलता रहता है और इसको इसी तरह से फिट्स पड़ने लगते। कई कई रातें हो जाती है इसको नींद नहीं होती, क्योंकि इसके भावुकता के अंदर ये जैसे ही बिस्तर पर लेटता है इसको वही बातें ध्यान आने लगती है और ये उस कारण सो नहीं पाता। इसकी दोनों साइड की कनपट्टियों में दर्द होने लगता है, हर समय इसको दर्द बना रहता है, ऐसे लगता है जैसे दोनों साइड की कनपट्टी की नसें खींची हुई हो। ये इग्नेशिया के पेशेंट की विशेषता होती है। एक और इसकी विशेषता ये होती है कि इसके, जिसे ये बहुत ज़्यादा लगाव करती है, भाई बहन परिवार में, माता पिता, जिससे भी इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वो इससे बिछड़ जाए, भले ही इसका अपना कोई पालतू जानवर ही क्यों ना हो, यदि वो इससे दूर चला जाए, बिछड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना हो जाए, तब इस पेशेंट की स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है।
यानी ये इतना भावुक होता है कि अपने सगे संबंधी जिससे बहुत ज़्यादा इसको अटैचमेंट होता है उसको ये अपने से दूर करना पसंद नहीं करता, इतना भावुक मिजाज ये पेशेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया, वो चाहे मिर्गी का पेशेंट हो या फिर वो हिस्टीरिया का पेशेंट हो, आप इसको मेडिसिन को दें। विशेषकर ये महिलाओं की मेडिसिन है क्योंकि महिलाएं जरा सी बात में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, उनकी बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये, और हिस्टीरिया के लिए तो अति उत्तम मेडिसिन है ये। हैंस इसी क्रम में दूसरी मेडिसिन जो है वो है क्यूप्रममेट। क्यूप्रममेट के पेशेंट के शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है, अंगूठा उंगलियों के बीच में आ जाता है, आके ऐसे दबा लेता है, जैसे मैंने उपरोक्त अभी आपको पीछे बताया भी था, इस तरीके से अंगूठे को उंगलियों में दबा के और खींच लेता है बहुत ज़बरदस्त, और जबाड़ा इसका जबड़ी ऐसी बंद हो जाती है, मुंह इतना, दांत इतने सख्त बंद कर लेता है पेशेंट कि इसके पेशेंट के मुंह को आप जब तक इसको होश नहीं आता आप खोल नहीं सकते। हाथ पैर ऐंठ जाते हैं अपोजिट साइड को, पैरों में भी ऐंठन बन जाती है, तो आप समझ लीजिए कि ये पेशेंट क्यूप्रममेट का पेशेंट है। इसी क्रम में फ्रेंड्स एक मेडिसिन है ब्यूफोराना, उसके पेशेंट की भी, वो भी एक मिर्गी के पेशेंट की बहुत अच्छी दवाई है। इससे नेक्स्ट मेडिसिन है आर्टिमेसिया। फ्रेंड्स मैं आपको ये बाकी जो मेडिसिन बता रहा हूँ इनके सिम्टम्स इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, दूसरी बात मिर्गी के पेशेंट को और यदि कोई मेडिसिन मिर्गी हो या हिस्टीरिया के पेशेंट को एक्स्ट्रा यदि कोई अलग से मेडिसिन के सिम्टम्स देने पड़ते हैं तो ये मेडिसिन के सिम्टम्स आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने होंगे, क्योंकि ये आगे के सिम्टम्स जो होते हैं कई के अलग अलग जो भिन्न भिन्न सिम्टम्स होते हैं उनके आधार से डॉक्टर को चयन करना होता है कौन सी मेडिसिन इसमें दी जा सकती है। ये दो मेडिसिन के सिम्टम्स मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि इनके सिम्टम्स इनकी मेडिसिन के नेचुरल सिम्टम्स हैं, यानी क्यूप्रममेट के जो सिम्टम्स हैं वो एक ऐंठन के सिम्टम्स है, इसके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, और इग्नेशिया का पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा भावुक होता है। बाकी जो मेडिसिन मैंने बताई है उन मेडिसिन के पेशेंट को इनके साथ कंबाइन में दिया जा सकता है, यानी ये मेडिसिन तो किसी भी किस्म का यदि किसी को दौरा पड़ता है उसके लिए देनी बहुत ज़रूरी है। इग्नेशिया और क्यूप्रममेट इनके साथ आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ब्यूफोराना, आर्टिमेसिया या अन्य और भी बहुत सी दवाई है ये आप दे सकते हैं अगर आपको मेडिसिन के सिम्टम्स मैच आते हैं, क्योंकि उनमें मेडिसिन को बहुत डीपली जाके आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। यदि आपको इस संबंधित कोई भी मिर्गी हिस्टीरिया संबंधी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे भी कमेंट करके अपने आप पूरे सिम्टम्स हमें बताएंगे तो हम आपको इनसे अलग जो मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपके लिए उचित लगेगी हम आपको वो मेडिसिन भी बताते हैं। ब्यूफोराना मेडिसिन का मैंने इसलिए आपको पूरे सिम्टम्स नहीं बताए क्योंकि उसके पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल पेशेंट होता है, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा डीपली घुसा होता है, और उसके हर वक्त यही ब्रेन में उसके ऐसी ही भावनाएं चलती रहती है, उसके पेशेंट के लिए ब्यूफोराना दे सकते हैं आप इन मेडिसिन के साथ। तो फ्रेंड्स ये कुछ मेडिसिन जो मैंने आगे सिम्टम नहीं बताए वो मैंने इसलिए नहीं बताए कि मैं किसी भी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जो अलग टाइप से कोई सिम्टम्स होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो कोई भी ऐसी ना हो जिसे पेशेंट परिवार में बैठ के ना सुन सके। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन आपको मैंने बताई है मिर्गी के दौरे की, यप्समार, एपिलेप्सी और हिस्टीरिया में। फ्रेंड्स इससे अगर आपको अलग से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं, आपने ये मेडिसिन ली है लेकिन आपको पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ, तो आप हमारे से कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं।
एपिलेप्सी का एलोपैथिक में कोई भी इलाज नहीं है। आपको एपिलेप्सी की हमेशा दवाई खाने के लिए दे दी जाती है, आप उस दवाई को हमेशा लेते रहोगे तो आपको आराम रहेगा। जैसे ही आप दवाई छोड़ देंगे आपको फिर से फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये हमारे अनुभव हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको 15-15 साल हो गए फिट्स आते हुए, और वे एलोपैथिक कंटिन्यू न्यूरो सर्जन से, न्यूरो फिजिशियन से मेडिसिन लेते रहते हैं, और वे मेडिसिन लेते लेते कई कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सोचते हैं कि अब मैं दवाई छोड़ के देखूं तो उनको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक लक्षणों के आधार पर टिकी हुई मेडिसिन है। इस मेडिसिन में यदि आपके डॉक्टर ने, एक्सपर्ट डॉक्टर हो, यदि आपके सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स दोनों मैच कर जाते हैं तो एक मेडिसिन की पहली ही डोज से आपको आराम आना शुरू हो जाता है। ये होम्योपैथी की खासियत है। होम्योपैथी ना आपको ज़्यादा लंबे समय लेनी पड़ती। बहुत से लोग जैसे भावनाएं बना लेते हैं कि होम्योपैथी की दवाई देर में असर करती, ऐसा नहीं है। ये दवाई पहली ही खुराक से आराम करती है, लेकिन जब बीमारी कोई बहुत लंबे समय पुरानी यदि होती है तो उसे ख़त्म करने में समय लग जाता है। थोड़ा उसके लिए कुछ समय दवाई कंटिन्यू खानी पड़ती है ताकि उस बीमारी को जड़ मूल नष्ट किया जा सके आपकी बॉडी से। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथी का मैं आपको थोड़ा सा मेडिसिन का, एपिलेप्सी और हिस्टीरिया दोनों पे दो मेडिसिन तो ये 100% वर्क करती ही करती है। बाकी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक में, जैसे हिस्टीरिया में और भी कई मेडिसिन ऐसी हैं जो हिस्टीरिया की मेडिसिन एपिलेप्सी में नहीं दी जाती और एपिलेप्सी की मेडिसिन हिस्टीरिया में नहीं दी जाती। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अलग से कोई भी जानकारी लेनी हो आप किसी भी समय हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, यही हमारा एक उद्देश्य है। आप हमारी इस उद्देश्य को पूरा करने में आप लोगों का सहयोग तभी होगा जब आप इसे आगे शेयर करेंगे। किसी भी आपके मिलने वाले सगे संबंधी, किसी भी मित्र को, किसी को भी यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे यदि शेयर करेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, यानी वो आपको एक कहते हैं आपका एहसानमंद होगा कि भैया आपने हमें ये वीडियो दिखाया। हमने, मेरे पास एमपी से अभी साइटिका के पेशेंट, एक बेचारे अनपढ़ पेशेंट थे जिनको साइटिका की शिकायत थी, और किसी उन्हीं के मिलने वाले ने हमारा साइटिका के ऊपर वीडियो देखा और उसने उनको बताया, उनको वीडियो दिखाया, तो वे अनपढ़ थे बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा कि मुझे ये दवाई ला के दो जो बताई है, मेरे बिल्कुल ऐसे ऐसे ही मुझे दर्द होता है, और उन्होंने वो मेडिसिन उनको ला के दी और वे कंटिन्यू उन्होंने 2-3 महीने ली, आज वे साइटिका रोग से बिल्कुल मुक्त हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप शेयर करेंगे तो किसी न किसी को उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी अगेन।